हाँ देखिए, मतलब अपना फैमिली को चलाने के लिए 32 साल नौकरी किए और अभी इनका पैर देखिए किस टाइप से टेढ़ा हो गया है, जो कि यहाँ होना चाहिए पूरा टेढ़ा होते जा रहा है। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज यहाँ, आप लोगों को तो पता होगा कि हम ससुराल में आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सोनी क्या कर, तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मिलते हैं सोनी क्या कर रही है सुबह सुबह, देखते हैं क्या क्या बना रही है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा दोनों मीठू भी अपना नानी का घर आया है, यहाँ पर अपना दोनों मस्ती में बैठा हुआ है। और इधर देख रहे हैं मम्मी और इधर सोनी, इधर शिव, सब मिल के सब खाना बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं बना क्या रहा है। क्या बना रहा है शिव? पनीर। तो आप लोग देख सकते हैं देसी चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, देसी चूल्हा में आप लोग का आग से हम लोग बना रहे हैं। और ऑर्गेनिक देखिए बर्तन भी है मिट्टी का, और इधर खाना के लिए भी मिट्टी का बर्तन, यहाँ खाना सब्जी दाल सब मिट्टी तो का बर्तन में। यहाँ मेरा ससुर जी के लिए स्पेशल, मतलब पूरे परिवार के लिए, सब दो तीन जन है तो सबके लिए यहाँ बनता है मिट्टी का बर्तन में खाना। सब कोई सिर्फ मिट्टी का बर्तन में खाना बनाता है, तो इसका भी कोई वजह है। मेरा ससुर जी है, उनको मतलब है कि अल्मोनियम का बर्तन, स्टील का, ये सब में खाना नहीं है, तो उनको मना किया है कि मतलब आप खाइए तो मिट्टी का बर्तन से। तो उनका जो भी है, जो आयुर्वेदिक वाला जो डॉक्टर है वो बताए हैं उनको। तो आप लोग देख सकते हैं शिव कितना अच्छा बना रहा है पनीर। क्या पनीर है ना शिव? उधर रखा हुआ देखिए, पनीर कहाँ रखा है? तो यहाँ शिव देखिए तल के यहाँ पनीर को फुला दिया है, उधर मसाला, इधर मसाला पूरा बन रहा है। अरे शिव को तो आप लोग जानते होंगे, देख सकते हैं कि शिव बहुत अच्छा से बना रहा है। और यहाँ पर मेरा मतलब मेरा मम्मी, इधर सासू माँ यानी मम्मी मेरा ये रहते हैं, और मेरा ससुर जी रहते हैं, और ये रहते हैं है ना शिव। तो यही तीनों रह के अपना यहाँ खाना पीना बनाता है, मिल बांट के खाता है। तो चलिए अभी, तो दोस्तों हमको लगता है मेरा ससुर जी दामाद का खातिरदारी के लिए कुछ अंदर में स्पेशल बना रहे हैं, तो देखते हैं चलिए क्या बना रहे हैं। हमको तो लग रहा है, हालांकि उनका पैर थोड़ा सा खराब है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं क्या बना रहे हैं पापा। इधर आप लोग देख सकते हैं मेरा ससुर जी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये मेरा ससुर जी, मेरा पापा, अभी देखिए यहाँ पर दामाद जी के लिए पुलाव बना रहे हैं, देखिए फर्स्ट क्लास पुलाव एकदम बन रहा है यहाँ पर। तो पैर इन्हीं का डैमेज है, अभी दिखाएंगे आइए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मेरा पापा का जैसे है, 70 या 72 हो चुका है ना पापा। और इधर इनका पैर को आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरा पापा को देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, मतलब अपना फैमिली को चलाने के लिए 32 साल नौकरी किए, और अभी इनका पैर देखिए किस टाइप से टेढ़ा हो गया है, जो कि यहाँ होना चाहिए पूरा टेढ़ा होते जा रहा है। डिफरेंस पीछे पीछे मुड़ी है तो, पीछे मुड़ी है तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा ये जो सीधा होना चाहिए पूरा टेढ़ा हो जा रहा है, और काफी परेशानी हो रहा है। अभी तो हम लोग आए तो थोड़ा खड़ा के चल उल रहे हैं, काफी सूजन हो गया है पैर में, बैठिए। तो अभी इनका उम्र इतना होने के बावजूद कोई भी हम लोग का यहाँ मेहमान आया, कोई भी मतलब पूरा घर का, खैर हम लोग तो आएंगे ही, कहे कि पापा का घर है तो आना ही है क्या पापा। तो वही देखे कि हम लोग गांव गए थे तो सुनने में आया कि पापा का भी पैर को बहुत ज्यादा दिक्कत है और सूजन हो गया है। तो कुछ भी होने से हम लोग थोड़ा सामने में है, 20-25 किलोमीटर का दूर में है, तो वही हम लोग सोचे कि आ जाते हैं, थोड़ा सा मिल उल के भी जाते हैं। अब सोच रहे हैं कि बीच में लेके इनको दिखा दे, अब देखते हैं कहाँ दिखाए। अगर आप लोग का इस बीमारी का अगर कुछ आप लोग को भी पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं कि हम लोग किससे दिखाएं इनको। अब बहुत साल पहले से इनको प्रॉब्लम था पैर में, मतलब है डिफरेंस में जितना भी रहता है सबका हो जाता है, सर किसी किसी का होता है, काहे कि सबको बहुत ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है ना। तो फौज में थे, फौज में रहने के बाद में आप रिटायर होने के बाद कितना दिन में आपका फिर हो गया?
ये सब कम से कम ये 86 में हुआ है, 86 में। 86 उसके बाद में एयरफोर्स में चले गए ना? 86 से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तब से कितना भी दवाई की है, सब कुछ करवाते आए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और दिनों दिन मतलब टेढ़ा होते जा रहा है, दिनों दिन टेढ़ा होते जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इसको ऑपरेशन करवाना है, तो ऑपरेशन से नहीं होगा। ऑपरेशन से भी नहीं होगा? कमांड हॉस्पिटल हम गए थे जी, तो उन्होंने मना कर दिया कि जो अभी आप चल रहे हैं अगर ऑपरेशन कर देंगे तो आप चल भी नहीं पाइएगा। तो दोस्तों सुन रहे ना कि डॉक्टर के पास गए थे, वहीं से मना जब किया गया तो जैसा है वैसे में। तो दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि पापा का तो पहले पैर का खाली दिक्कत था, अब क्या हो रहा है कि इनका सांस का भी प्रॉब्लम आ गया। और थोड़ा सा भी किचन में चाहे डस्ट उस्ट में कहीं रहते हैं तो सांस बैठने नहीं लगता है। तो सोच रहे हैं उसको भी एक बार टेस्ट करवा देंगे, तो अभी साथ में चलिएगा, हम लोग का चेक उप करवा के चलाइएगा। 120 सप्ताह के बाद जाएंगे। और यहाँ पे मतलब कोई नहीं रहता है, मम्मी पापा और जैसे भतीजा है वो खाली, भाभी भैया लोग सब बाहर रहता है, सब अपना अपना फैमिली है, उन सब को भी जाना जरूरी है, इसलिए कि अपना नौकरी कर रहा है उधर तो वही रहना ही पड़ेगा। अब पापा लोग को दिक्कत होगा तो एक तो बेटा लोग के पास चले जाए, चाहे हम लोग के पास, हम लोग तो सब करीब में है ही, और एक भतीजा भी है। आप देख सकते हैं मेरा ससुर जी का फोटो कितना हिस्ट एकदम थे। तो दोस्तों इधर मम्मी को भी देख सकते हैं, इनका भी लगभग 8-10 साल इतना तबीयत खराब था, 17 साल तबीयत खराब था। और हमको लगता है पापा का आधा कमाई मतलब कहिए मतलब जो भी था सबका मतलब जो भी यहाँ का पैसा खर्चा हुआ माँ को ठीक करने में बहुत, तो मम्मी को देख सकते हैं इनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, जो कि हर डॉक्टर के पास पापा लेके गए जब जो था। और जितना भी पैसा हमको लगता है खर्चा मम्मी का में आधा पैसा खर्चा हो गया, बड़ी मुश्किल से इनको ठीक किया गया। और अभी देखिए अभी हंसी खुशी से है का मम्मी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। हमको लगता है 10-12 लाख रुपया खर्चा हो गया, और जो खर्चा हुआ, खर्चा तो खैर छोड़िए पैसा के बाद, जो परेशानी उठाए पापा तो यही जानते होंगे कि क्या परेशानी हुआ है, और उनको भी पता है। हालांकि माँ का तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मतलब ठीक होगा, लेकिन मेरा एक पापा है जो ठीक करके दिखा दिए का पापा। और अभी दोनों खुशी से हैं और दोनों साथ में रहते हैं, तो बगल में हम लोग हैं, जब भी जरूरत पड़ता है हम लोग तो है ही का पापा। जब भी करेंगे तो एक है भतीजा तो साथ में रहते हैं। तो अभी हम लोग का पापा से तो मिला ही दिए और हम लोग क्यों आए बता ही दिए। आप अभी फिर भी दामाद का खातिरदारी के लिए देखिए दोनों लगे हुए हैं। कुछ सोनी भी उसमें हेल्प कर रही है कि नहीं पता नहीं, कर रही है कि नहीं, तो हमसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे कि खातिरदारी में क्या कर रहे हैं, उससे तो थोड़ा सा दिखा ही दिए है। तो चलिए अभी खाने के टाइम मिलते हैं। तो देख सकते हैं सोनी खाना बना ली है, और क्या क्या बना है देखते हैं। खाना हम थोड़ी बनाए, पापा बनाए हैं। इधर सलाद, इधर पुलाव बन गया है, और इधर रहा हम लोग का पनीर, देखते मटका पनीर, पनीर है। निकालो तब, हो गया ना, निकाल रही है, निकाल रहे है। तो दोस्तों हम लोग का खाना लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का खाना क्या क्या लगा है। इधर देखिए चरबूजा है, पनीर है, इधर भिंडी का भुंजिया, सलाद और पुलाव। तो हम लोग अभी चलिए पुलाव खाने शुरू करते हैं। पापा चलिए खाइए, दिख तो रहा है बहुत टेस्टी टेस्टी, अब खा के देखते हैं, क्योंकि पुलाव पापा बनाए हैं। मस्त बना है पुलाव, ऐसे भी पापा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हम लोग से अच्छा बनाते हैं क्या, बहुत सारा मतलब रेसिपी जानते हैं पापा। हाँ, ना जी मिठाई में जितना भी मीठा हुआ सब आता है इनको बनाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग खाना वाना खा के पूरा रेडी हो गया है, और अब थोड़ा सा हम लोग भी पापा से कुछ बोलना है। तो पापा मतलब कैसा आपका तबीयत में सुधार कुछ हो रहा है कि?
हाँ बाबा गलगली धाम कर दवाई खा रहे हैं। तो अभी जो बाबा गलगली धाम कहाँ पर है, जो धोनी अभी फेमस है हम लोग का, तो अभी वो भी वही का खा रहे हैं, उनका पापा धोनी का, तो वहीं से अभी ट्रीटमेंट करवाए हैं, अभी डेली उन्हीं का चल रहा है दवाई। तो खैर जल्दी ठीक हो जाएगा, 6 महीना का कोर्स लिखा है क्या पापा? हाँ 6 महीना का है। चलिए दोस्तों, हम लोग का वीडियो कैसा लगा, और हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय 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 बाय।